वेलकम बैक गाइस, आई वेलकम यू अगेन इन माय चैनल। एज यूजुअल वी प्रैक्टिस हियर एंड इन दिस वीडियो अगेन यू विल प्रैक्टिस, बट बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, प्रेस द लाइक बटन सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन ऑन टाइम। ठीक, तो इस वीडियो में हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ये प्रैक्टिस सेशंस वाली प्लेलिस्ट चल रही है, तो हम इसमें भी प्रैक्टिस ही करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर कुछ भी सीखने को मिलता है, अगर मज़ा आ रहा है प्लेलिस्ट को, शेयर करें यार से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कमेंट्स, जैसे इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू कि हम स्टार्ट को कमेंट्स भी बोलते हैं, सो लेट्स कमेंट्स। ओके, मैं आपको खुश कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू हैप्पी। बाय द वे, दिस इज़ अवर 37th ट्यूटोरियल, तो यार इसको शेयर करो, बहुत लंबी जा चुकी है ऑलरेडी प्लेलिस्ट। ठीक है, मैं अपना समय काट रहा हूँ, आई एम पासिंग माय टाइम। पास का मतलब होता है कि बस समय काटना, फ्री बैठना, आई एम पासिंग माय टाइम, या फिर बोल सकते हो आप आई एम वेस्टिंग माय टाइम। ठीक, नेक्स्ट इज मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो आप कुछ भी भाषा लगा दो यार, आई कैन डू दिस, ये भी आप बोल सकते हो। मैं रोज़ एक सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल। एन क्यों लगाया? बिकॉज भाई ये एन दा, जैसे कि आपको आर्टिकल पता होंगे, तो हम कोई भी अगर चीज़ होती है तो उससे पहले अगर एन दा आर्टिकल लग रहे हैं तो हम लगा देते हैं। ठीक है, आई ईट एन एप्पल डेली। अब डेली और एवरी डे में फ़र्क समझाता हूँ। डेली में हम वी कांट मिस इवन अ सिंगल डे। ठीक है, बट एवरी डे में क्या होता है, हाँ लगे हैं, मतलब करते जा रहे हैं, खा देते हैं, अगर कोई गैप भी होता है इन बिटवीन तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डेली मतलब डेली विदाउट मिसिंग अ सिंगल इवन अ सिंगल डे। ओके, मुझे कपड़े धोने हैं, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। क्लॉथ्स का मतलब होता है कि कपड़े, अब कपड़ा भी होते हैं तो क्लॉथ बोलते हैं आप, लेकिन वो क्लॉथ्स होते हैं। ठीक है, मैं घोड़े के ऊपर कूदा, आई जंप्ड अपॉन द हॉर्स। अब घोड़े के ऊपर कूद रहे हैं तो भाई उस पर कूद रहे हैं, अपॉन मतलब उसके ऊपर कूद रहे हैं। ठीक है, आई जंप्ड अपॉन द हॉर्स। ठीक, नेक्स्ट इज मैं आपको समझा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बहुत दिनों से इस प्लेलिस्ट चल रही है, मतलब इस प्लेलिस्ट की वीडियो डलती जा रही हैं, अपलोड होती जा रही हैं, और इन बिगनिंग आई ऑलवेज से कि आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मतलब कहीं भी कभी भी मैं ये स्टेटमेंट आपने बहुत बार सुनी होगी मुझसे, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज मैं शिमला अक्सर जाता हूँ, आई ऑफन गो टू शिमला, आई ऑफन गो टू दिल्ली, आई ऑफन गो टू चेन्नई। मतलब आप कुछ भी लगा सकते हो, आई ऑफन गो टू अक्सर मतलब बार बार जाना। ठीक है, मैं 2 बजे पैदा हुआ था, आई वॉज़ बॉर्न एट 2 o'clock, इट्स रियल फैक्ट। ओके, मैं 2 बजे ही पैदा हुआ था। ठीक है, अगर आपकी टाइम क्या था, व्हाट वाज योर टाइम व्हेन यू बॉर्न, तो मुझे बताना यार। ठीक है, आई वॉज़ बॉर्न एट 2 o'clock। ठीक, मैं जनवरी तक वहाँ था, आई वॉज़ देयर टिल जनवरी। जनवरी एक टाइम होता है, तो टिल और अनटिल का मैंने कई बार बताया आपको डिफरेंस क्या होता है, आई वॉज़ देयर टिल जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट मैं होली पर घर आऊँगा, आई विल कम होम एट होली। होली पर आऊँगा मतलब ऑन होली नहीं, एट होली। अब एट ऑन इन अगर प्रोविजन नहीं है, फंडा प्रोविजन का फंडा क्लियर नहीं है, तो आई थिंक कि आपको दिक्कत होगी, बट मैं यहाँ पर बता देता हूँ अबाउट एट, ना कि मैं पूरी प्रोपोजिशन पढ़ाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, आई कम होम एट होली, होली के मतलब आसपास, करीब करीब। ठीक है, मैं कार नहीं चलाऊँगा, आई विल नॉट ड्राइव द कार, आई विल नॉट डू दिस। मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू दैट, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट गो देयर। मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो यार, सिंपल से सेंटेंसेस है, और जस्ट वी आर प्रैक्टिसिंग हियर यार। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको सब जो क्लियर है रूल, वो आपको हैं क्लियर रूल, जो भी होते हैं हमारे बेसिक सेंटेंसेस हुए, पार्ट ऑफ स्पीच एंड ऑल दैट, वो आपको
आते हैं आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, और नहीं आते तो आप देख लो यार, बस एक दो वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। कहीं भी देख लो यार, इसी चैनल पर देख लो, कहीं भी जहाँ से आपको समझ आ जाए वहाँ से देख लो, ठीक है। आई विश आई कुड गो देयर, काश मैं वहाँ जा सकता था, ये सही है, काश मैं वहाँ जा सकता था। आई विश आई कुड गो देयर, आई कुड का मतलब होता है एक पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। मैं ऐसा कर पाया, आई कुडंट डू दैट, मैं वो नहीं कर पाया, ठीक है। आई विश आई कुड गो देयर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मुझे दो दिन हो गए थे, इट हैड बीन टू डेज टू मी, मुझे दो दिन हो गए थे। अब किसे हो गए थे? टू मी, भाई मुझे हो गए थे, इसलिए इट हैड बीन टू डेज टू मी, ठीक। नेक्स्ट इज़ मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा, आई विल श्योरली मीट यू। एक यहाँ पे क्या दे दी, शर्टन, एक निश्चितता दे दी, सर्टेनिटी बता दी, ठीक है। आई विल श्योरली मीट यू, श्योर का मतलब होता है निश्चितता, एक बाधा टाइप का, ठीक है। आई विल श्योरली मीट यू मतलब ज़रूर मिलूँगा, ठीक। माता जी खाना बना रही थी, मॉम वॉज कुकिंग फूड, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा यार। आई वॉज कुकिंग फूड एट, मतलब कुछ ही बोल सकते हैं, टाइम बोल देना, ठीक है। मेरा देश सबसे पहले, माई कंट्री इज अबव ऑल का मतलब होता है अगर देखा जाए तो खासकर, ठीक है, खासकर मेरा देश सबसे पहले, मतलब सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है कि खासकर तू उसे मत बोलना या उसे मत बताना, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि अबव ऑल यू डोंट टेल टू दैट पर्सन, मतलब खासकर उसे मत बताना, यू डोंट टेल टू दैट पर्सन, तुम्हें उसे नहीं बताना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू टेल टू दैट पर्सन, ठीक है। माई कंट्री इज़ अबव ऑल, मेरा देश सबसे पहला है, कोई मुझे पढ़ने नहीं देता, नोबडी लेट्स मी स्टडी। अब नो बडी लगाया, नो वन लगाया तो लेट होता, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया आपको, ठीक है। मैं बताता हूँ यार, बडी का मतलब होता है कि कोई एक बंदा जिसका हम जानते हैं, पता है, वी कैन काउंट इट, सिंपली मीनिंग इज़ कि वी कैन काउंट इट, ठीक। अगर नो बडी, नो वन लगा देते तो मतलब हम नो वन में कितने हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जिनको हम जानते भी नहीं, और इट इज़ नॉट काउंटेबल, हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो क्या होता, नो वन लेट मी स्टडी, कोई मुझे पढ़ने नहीं देता, नो बडी है, दैट्स वाई क्या लेट्स एस लग गया उसमें, ठीक है। राम श्याम को आने देगा, राम विल लेट श्याम कम, ओके। इट वॉज माई मिस्टेक कि मैंने नॉट बोल दिया था, दैट्स वाई आई वॉज कन्फ्यूज कि व्हाट आई एम सेइंग। राम श्याम को आने देगा, राम विल लेट श्याम कम, ओके। नेक्स्ट इज मैं तुम्हारे जैसे दिखती है, सी लुक्स लाइक यू, या आप बोल सकते हो कि सी लुक्स आफ्टर यू, इसका भी यही मतलब होता है कि तुम हो, इस जिस तरीके की तुम्हारी शक्ल है उसी तरीके की उसकी शक्ल है, ठीक है। सी लुक्स आफ्टर यू, या फिर आप बोल सकते हो सिंपली कि सी लुक्स लाइक यू, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कोई आपको बुला रहा है, somebody is calling you, फादर इज़ कॉलिंग यू, मदर इज़ कॉलिंग यू, सिस्टर इज़ कॉलिंग यू, ब्रदर इज़ कॉलिंग यू, टीचर इज़ कॉलिंग यू, आप कुछ भी बोल सकते हो यार। कोई आपको बुला रहा है, समवन इज़ कॉलिंग यू, somebody इज़ कॉलिंग यू, अनिता इज़ कॉलिंग यू, अंकिता इज़ कॉलिंग यू, रवि इज़ कॉलिंग यू, समवन कॉल्ड यू, कहते हुए किसी ने बुलाया। सोनाली को यहाँ आना है, सोनाली हैज़ टू कम हियर, फादर हैज़ टू कम हियर, मदर हैज़ टू कम हियर, सिस्टर हैज़ टू कम हियर, ब्रदर हैज़ टू कम हियर, ठीक है। आप कुछ ही बोल सकते हो यार, दे हैव टू कम हियर, उन्हें यहाँ आना है, मतलब कुछ भी लगा सकते हो यार आप। सिंपल व्हाट आई मीन टू से कि आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दैट योर हेल्पिंग वर्ब विल बी चेंज्ड, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हैज़ है, हैव होगा, कभी हैज़ होगा, कभी हैव होगा, तो वो चेंज होती जाती है, ठीक है। खाना बहुत स्वादिष्ट था, द फूड वॉज़ वेरी डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब ही होता है कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होना, द फूड वॉज डिलीशियस, ठीक। नेक्स्ट इज़ ऐसा कोई गांव नहीं है, देर इज़ नो सच विलेज, ऐसा कोई गांव नहीं है एज यू आर टेलिंग दैट नेम ऑफ दैट प्लेस, ठीक। ऐसा कोई गांव नहीं है, ठीक, देर इज़ नो सच विलेज, मतलब ऐसा कोई गांव नहीं है, सिंपल सी बात है यार। जैसे कि जैसा आप नाम ले रहे हो, ऐसा कोई बोल रहा होगी कि देर इज़ अ गुड़गांव और मुंबई डेली, तो उसने बोला कि देर इज़ नो सच विलेज, यार सिटी ही बोल सकते हो आप, सिंपल सी बात है।
या आप बोल सकते हैं ऐसी कोई लड़की नहीं, देर इज़ नो सच गर्ल, देर इज़ नो सच बॉय, देर इज़ नो सच ट्री, कुछ ही बोल सकते हो यार, ठीक है। देर इज़ नो सच कॉलेज, देर इज़ नो सच स्कूल हु प्रोवाइड्स वेल एजुकेशन या स्टडी, आप कुछ ही बोल सकते हैं यार। मैं डीप में नहीं जाना चाहता था, ठीक है। भाई फूल तोड़ रहे थे, दे वर प्लकिंग फ्लावर्स, येस दिस इज द लास्ट सेंटेंस बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज हेयर इज़ एडवांस वर्ड दैट इज प्लक। प्लक का मतलब होता है तोड़ना, कोई चीज़ तोड़ना, बट इट इज़ लाइक यूजेबल, कि उसका तोड़ने के बाद, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ग्लास है या कोई भी आपके पास कप है तो उसे तोड़ना, लेकिन वो यूजेबल नहीं रहेगा, इट विल बी यूजलेस, ठीक है, कैसा हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, तो वहाँ पे प्लग नहीं आएगा वहाँ पे। अब कुछ तोड़ने के बाद चीज़ें काम की नहीं रहें तो वहाँ पे ब्रेक लगाया जाता है, बट कुछ चीज़ें जो तोड़ ली जाएँ बट इवन देन दे विल वर्क फॉर अस, ठीक है, तो वहाँ पे हम प्लग लगाते हैं, ठीक है। दे वर प्लकिंग फ्लावर्स, वे फूल तोड़ रहे थे, आई वॉज प्लकिंग फ्लावर्स, आप कुछ ही बोल सकते हो, माई पेरेंट्स वर प्लकिंग फ्लावर्स, ही वॉज प्लकिंग फ्लावर्स, कुछ ही बोल सकते हो आप। सो गाइस आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो, सो गाइस आई होप कि आपको मज़ा आया, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, और हो सके पॉसिबल तो यार लाइक द वीडियो एंड शेयर द प्लेलिस्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।